गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको फूड्स एंड न्यूट्रिशन यानी आहार एवं पोषण विषय पढ़ा रही हूँ और उसमें सिलेबस के अनुसार आपके 14 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और इन दिनों 15th चैप्टर उपचारार्थ भोजन यानी थेरेप्यूटिक डाइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। थेरेप्यूटिक डाइट में इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पढ़ लिया। इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद में कुछ डिजीजेस के बारे में हमको पढ़ना है कि वो बीमारियाँ क्यों हुई है, क्या उनका पौष्टिक उनमें तत्व देना चाहिए, कैसे आहार नियोजन करना चाहिए, कौन से भोज्य पदार्थ देने चाहिए, कौन से नहीं देने चाहिए, तो वो सब उन बीमारियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कुछ बीमारियों का मैंने आपको पढ़ा दिया है और आज का जो टॉपिक है वो है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर जो बीमारी है, पेप्टिक अल्सर का मतलब, अल्सर मतलब घाव होना, अल्सर का मतलब होता है घाव होना। और पेप्टिक अल्सर अधिकतर आमाशय में यानी स्टमक में और पक्वाशय यानी ड्यूडिनम में होता है। और पक्वाशय और आमाशय की जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें घाव हो जाते हैं। घाव होने के बाद में उसमें छेद हो जाते हैं और छेद होने के बाद में जो उसकी दीवारें होती है आंतरिक, वो उन दीवारों में गलन शुरू हो जाती है। गलने के बाद में वो नष्ट होना शुरू हो जाती हैं और उसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और जो आमाशय और पक्वाशय दोनों में पेप्टिक अल्सर होते हैं, उनमें भी पक्वाशय में ज़्यादातर पक्वाशय में ही पेप्टिक अल्सर होता है, आमाशय में कम होते हैं। और जब ये अल्सर ठीक नहीं हो पाता तो वो आंतों के कैंसर में भी परिवर्तित हो जाता है। फिर सब टॉपिक ले रहे हैं हम पेप्टिक अल्सर के प्रकार, टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर दो प्रकार के हैं, पहला है आमाशयिक पेप्टिक अल्सर और दूसरा है पक्वाशयिक पेप्टिक अल्सर। आमाशयिक पेप्टिक अल्सर में आमाशय का जो ऊपरी वाला भाग है, ऊपरी दीवार पर जो ऊपरी भाग है पाइलोरिक भाग, वहाँ अल्सर डेवलप हो जाता है, वहाँ विकसित हो जाता है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा भी कम सिक्रीट होती है जब आमाशयी पेप्टिक अल्सर हो जाता है। दूसरा है पक्वाशयी पेप्टिक अल्सर। पक्वाशयी पेप्टिक अल्सर पक्वाशय में यानी ड्यूडिनम में होता है। ये अधिकतर गर्मियों में उन लोगों को होता है जो टाइम से खाना नहीं खा पाते हैं, मजदूर है, गरीब है, बहुत पसीना निकल जाता है, बहुत मेहनत करते हैं, तो उनमें जो है वो समय से भोजन नहीं करने पर कई बार ये अल्सर हो जाता है। नेक्स्ट सब टॉपिक ले रहे हैं पेप्टिक अल्सर के कारण, कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के वैसे तो कई सारे कारण हैं पर कुछ कारण हैं उनके, वो जब कारण होते हैं तो पेप्टिक अल्सर बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है कि पेप्टिक अल्सर होना ही है उस वक्त। जैसे पेप्टिक अल्सर वंशानुगत ये एक कारण है कि हेरिडिटरी है, अगर माता पिता को पेप्टिक अल्सर होता है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चों में भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं उनको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, जरूरी नहीं कि सभी को हो सकता है। अगर वो खाने पीने पे और हर चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा जल्दी मतलब वो ससेप्टेबल होते हैं उसके। फिर तीसरा है जो अधिक मिर्च मसाले खाते हैं या अधिक सुगंधित खाना खाते हैं तो उसमें आमाशयी रस जो होता है गैस्ट्रिक जूस, वो अधिक सिक्रीट होने लगता है, अधिक निकलने लगता है और उसके कारण पेप्टिक अल्सर हो जाता है। जो व्रत उपवास ज़्यादा करते हैं उनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज़्यादा बनने लगता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अंदर बना हुआ है आमाशय में और खाना नहीं जा रहा है तो अंदर की जो झिल्लियाँ हैं वो गलने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं, घाव हो जाते हैं। जो चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं मतलब भूखे पेट चाय कॉफ़ी पीते ही रहते हैं, उनमें भी HCL ज़्यादा हो जाता है और पेप्टिक अल्सर होने की संभावना रहती है। जो धूम्रपान करता है, बीड़ी तंबाकू ज़्यादा खाता पीता है, उनमें भी पेप्टिक अल्सर होने की संभावना रहती है। जो मीट फिश और अंडा बहुत ज़्यादा खाते हैं उनमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है, या फिर जो प्रोटीन बहुत कम लेता हो उसमें भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है, या फिर जो बहुत चिंता रखते हैं, मानसिक तनाव रखते हैं, क्रोध गुस्सा आता रहता है, तो ऐसे में
अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सिक्रेट हो जाता है, बन जाता है, और उसके कारण अंदर की जो झिल्लियाँ हैं अमाशय की वो गल के और नष्ट होने लगती है और इसीलिए पेप्टिक अल्सर हो जाता है। या फिर जो स्टमक की जो अंदर की वॉल है वहाँ म्यूकोप्रोटीन जो है वो वहाँ म्यूकोप्रोटीन की वॉल होती है अंदर वाली, लेकिन अगर वो उसमें से म्यूसिन सिक्रीट नहीं हो, म्यूसिन मतलब जो श्लेष्मा है चिकना पदार्थ जो कि किसी भी चीज़ के इफेक्ट को हटा देता है, अगर म्यूसिन नहीं होगा वहाँ तो जो HCl बन रहा है उसका प्रभाव ज़्यादा उन दीवारों पर आ जाएगा और वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा नहीं हो पाएगी और घाव हो सकते हैं और पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ये पेप्टिक अल्सर के कारण थे। अब नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं सब टॉपिक पेप्टिक अल्सर के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। जब पेप्टिक अल्सर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उस रोगी के पेट में असहनीय दर्द होता है, बहुत अधिक दर्द होता है और उसको बहुत अधिक कष्ट होता है, उसके शरीर में आयरन का अवशोषण भरपूर नहीं हो पाता और चूंकि आयरन का अवशोषण भरपूर नहीं होता तो वो एनीमिया यानी रक्तअल्पता का शिकार हो सकता है और व्यक्ति बहुत कमज़ोर और निर्बल हो जाता है, उसका वज़न बहुत कम होने लगता है, उसके अलावा विटामिन बी और सी दोनों के ही अवशोषण बहुत ही कम हो जाते हैं और जब विटामिन बी के मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा थायमिन राइबोफ्लेविन नाइसिन फॉलिक एसिड तो मतलब सभी विटामिन बी और विटामिन सी जब अवशोषण नहीं हो रहा है तो शरीर में विटामिन बी और सी की कमी हो जाती है। दोनों की जब कमी होती है तो उस कमी से होने वाले लक्षण, उस कमी से होने उत्पन्न होने वाली बीमारियों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फिर जो पेप्टिक अल्सर से पीड़ित रोगी हैं उनको चक्कर आते हैं, उनको जी मिचलाता है और खाना खाने के बाद उनका पेट फूल जाता है, पेट फूलने जैसा ही फील होता है, उनके सिर दर्द बना रहता है, उनको उल्टी जैसा होता है और उनके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए अन्य रोग भी उनके शरीर में हो सकते हैं। नेक्स्ट अब टॉपिक है पेप्टिक अल्सर का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। जब पेप्टिक अल्सर हो गया है तो अगर हम इसके कारण देखेंगे तो कारणों को देख के उसका निवारण हम कर सकते हैं। तो इसके उपचार में जैसे पर्याप्त हमको विश्राम देना चाहिए व्यक्ति को, जिससे कि वो आराम से रहेगा तो उसको मतलब चिंता वगैरह नहीं होगी तो HCl सिक्रीट नहीं होगा, पर्याप्त विश्राम देना चाहिए उसको, मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त रखना चाहिए उसको, चाय कॉफ़ी धूम्रपान मद्यपान बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, मिर्च मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं देना चाहिए, प्रोटीन अधिक से अधिक देना चाहिए जिससे कि प्रोटीन अधिक देने से पेप्टिक अल्सर कम होता है, मतलब अमाशयी रस जो है वो कम बनता है और कम बनेगा तो पेप्टिक अल्सर नहीं हो पाएगा और एक निश्चित अंतराल पर एक फिक्स समय है कि भाई एक एक दो दो घंटे बाद में हमको उसको खाना देना ही है रोगी को, लेकिन बिना मिर्च मसाला बिना रेशे का बिना चाय कॉफ़ी का बिल्कुल सादा सिंपल खाना हमको उसको देना है तब जाके और उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा। और पेप्टिक अल्सर के उपचार में ही कंटिन्यूएशन में ये है कि पेप्टिक अल्सर में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता, मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या है जब पेप्टिक अल्सर हो जाता है तो उसको कौन कौन से पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पेप्टिक अल्सर से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको ऊर्जा की जो जरूरत है वो उसके आयु के अनुसार, उसके लिंग के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार हम उसको देते हैं, बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होती है, उसकी आयु उसका उम्र और उसके कार्य के अनुसार कैलोरी जो है वो उसको दी जाती है। प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाता है, 50% प्रोटीन ज़्यादा, जैसे अगर 50 ग्राम उसको पर डे लेना है तो 75 ग्राम प्रतिदिन हम उसको प्रोटीन देंगे, 50% प्रोटीन बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें भी 50% प्रोटीन हमको दूध से देना है, दूध से जब देते हैं तो अल्सर कम हो जाता है। और वसा आवश्यकता अनुसार वही उसका जो लिंग कार्य अनुसार और आयु के अनुसार, लेकिन जो भी हम वसा देंगे वो 50% तो दूध से, जैसे मतलब मलाई वाला दूध और ऐसे तो दूध से, और बाकी जो बचा हुआ है शेष वो वनस्पति तेलों से, मतलब बहुत ज़्यादा हमको एनिमल फैट वगैरह नहीं देना है, वनस्पति तेल और दूध से उसका फैट कंप्लीट कर देना है। फिर कार्बोहाइड्रेट में जो कुल ऊर्जा की मात्रा है, जैसे कुल ऊर्जा 2000 उसको देनी है तो कुल ऊर्जा का 40 से 50%, मतलब करीब हमको उसका 800, मतलब 40 से 50, 800 से 1000 किलो कैलोरी हमको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से देनी है
पेप्टिक अल्सर के रोगी को, लेकिन जो उसको कार्बोहाइड्रेट देंगे वो हम मैदा जैसी रोटी, मतलब हमको उसको रेशे वाला पदार्थ नहीं देना है, तो उसको चोकर वाली रोटी, मोटा आटा, सूजी, दलिया ये नहीं देना, मतलब ऐसे बिल्कुल जो भी चीज़ें देनी है जैसे बिस्किट जैसी चीज़ है, मैदा की कोई चीज़ें हैं, या फिर जो पॉलिश्ड राइस है, या फिर जो सब्जी और फ्रूट जो हम देंगे उसके बिल्कुल छिलके हटा के, या फिर उसको उबाल के उसके जो मतलब जो भी हार्ड वाला पार्ट है वो हटा के कम रेशे वाला खाना देंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से 40-50% कैलोरी टोटल कैलोरी का देना चाहिए। विटामिन में विटामिन का अवशोषण कम हो जाता है और विटामिन सी घाव को भरने में मदद करता है, इसलिए विटामिन सी की मात्रा हमको बढ़ा देनी है, विटामिन बी की मात्रा भी बढ़ा देनी है, और फिर भी उसका अवशोषण नहीं हो पाता, इसलिए एक मल्टीविटामिन टैबलेट की गोली तो उसको पूरे दिन भर में देनी ही चाहिए। फिर है मिनरल्स यानी खनिज लवण। खनिज लवणों में स्पेशली आयरन का अवशोषण नहीं हो पाता, और अगर आयरन का अवशोषण नहीं है लोह तत्व का तो व्यक्ति को एनीमिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए पर्याप्त आयरन, पर्याप्त लोह तत्व हम उसको देंगे। और जब हम ये पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता इसमें बता रहे हैं उपचार में, तो उपचार के अंदर ये है, उपचार के अंदर ही एक और पॉइंट है आहार नियोजन, मतलब हम जब इसका आहार नियोजन बना रहे हैं, इसकी जो डाइट प्लान कर रहे हैं, तब कुछ बातों का ध्यान रखना है। भाई हमको ये बातें तो ध्यान रखनी है कि भाई इतने न्यूट्रिएंट्स हमको देने हैं, लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे रेशेदार भोज्य पदार्थ उसके खाने में नहीं होने चाहिए, मिर्च मसालेदार खाने नहीं होने चाहिए, सुगंधित भोज्य पदार्थ नहीं होना चाहिए, चोकर नहीं होना चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, छिलके वाली दालें वगैरह नहीं होनी चाहिए, बहुत खट्टे फल नहीं होने चाहिए, कॉफ़ी, चाय, मद्यपान, धूम्रपान ये नहीं देना चाहिए, गर्म पेय नहीं देना चाहिए उसको, बहुत अधिक गर्म पेय, कच्ची सलाद नहीं देनी चाहिए, इनका तो हम ध्यान रखेंगे। देना क्या चाहिए, हम उसको सादा और पौष्टिक भोजन देंगे, अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना बनाए ऐसा भोज्य पदार्थ देंगे, एक निश्चित समय पर उसको भोजन देंगे, और कौन सा भोजन देंगे, बिल्कुल सादा और पौष्टिक, और एक अंतराल, पर्याप्त अंतराल उसमें देख लेंगे कि हमको डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे में इसको दूध देना है, जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी वीनी नहीं होनी चाहिए, मतलब हमको उसको बहुत मीठा भी नहीं देना है, बहुत खट्टा भी नहीं देना है, बहुत गर्म भी नहीं, बहुत ठंडा भी नहीं, हम उसको रूम टेम्परेचर पे मैक्सिमम सादा और पौष्टिक खाना देंगे, जिससे कि जो उसके घाव हुए हैं शरीर के अंदर वो जल्दी ठीक हो जाए। तो आज जो मैं पढ़ा रही थी टॉपिक जो आज की डिजीज़ के बारे में, वो है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में अल्सर का मतलब घाव होना, और ये घाव अधिकतर कहाँ होते हैं, अमाशय में और पक्वाशय में, मतलब ड्यूडिनम में, पक्वाशय में ज़्यादा होते हैं और अमाशय में कम होते हैं। इसमें क्या है कि जो अमाशय या पक्वाशय की जो इनर लाइनिंग है, जो अंदर की परत, अंदर की जो झिल्ली है, वहाँ घाव हो जाते हैं, घाव होने के बाद में वहाँ छोटे-छोटे छेद हो जाते हैं और वो दीवारें थोड़ी गलने और नष्ट होने लगती है, उस वाली स्थिति को हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर दो प्रकार के हैं, अमाशयी पेप्टिक अल्सर, पक्वाशयी। अमाशयी में जो उसकी ऊपरी दीवार पर और ऊपरी भाग में पाइलोरिक भाग है, उस जगह ज़्यादा पेप्टिक अल्सर होता है, वहीं शुरू होता है इसमें, और HCl की सिक्रीशन, HCl का स्रावण कम हो जाता है। और पक्वाशयी जो ये पेप्टिक अल्सर है वो अधिकतर गरीब, मजदूर, इन सबको गर्मी के दिनों में होता है, जब पर्याप्त अंतराल पे उनको भोजन नहीं मिलता, भोजन की कमी हो जाती है, बहुत गर्मी होती है, तो ये पेप्टिक अल्सर हो सकता है। नेक्स्ट सब टॉपिक था पेप्टिक अल्सर के कारण, कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर कई कारणों से हो सकता है, अगर माता पिता को हो तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है, जो व्रत उपवास ज़्यादा करते हैं उनको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ओ ग्रुप वालों को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं होने के, अगर वो ध्यान नहीं रखे तो, जो मानसिक तनाव, चिंता, क्रोध रखता है उनको हो सकता है, मीट, फिश, एग ज़्यादा खाते हैं उनको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, जो बीड़ी, तंबाकू, धूम्रपान करते हैं उनको हो सकता है, जो कम प्रोटीन लेते हैं उनको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं, मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हैं उनको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, और अगर शरीर में म्यूसिन नहीं, श्लेष्मा नहीं बन रहा है तो भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। नेक्स्ट पेप्टिक अल्सर के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। जब पेप्टिक अल्सर हो जाता है तो शरीर में कई सारे चेंजेस और कई सारे परिवर्तन होते हैं, कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं, पेट में बहुत दर्द होता है, कष्ट होता है,
उसके अलावा वजन कम हो जाता है, चक्कर आते हैं, कमजोर हो जाता है शरीर, निर्बल हो जाता है, उसके जी मिचलाता है रोगी का, खाना खाने के बाद उसका पेट फूल जाता है, क्योंकि उसमें आयरन का अवशोषण बहुत कम होता है, तो एनीमिया भी हो सकता है, और विटामिन बी और सी का अवशोषण कम होता है, इसलिए इन विटामिन से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है उनके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो रोग उन पर हावी हो जाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हुई तो रोग हावी हो जाते हैं, अन्य रोग हो जाते हैं उनको, और सिर दर्द और उल्टी जैसा भी उनको होता है, ये लक्षण है। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के उपचार में सबसे पहले हम पर्याप्त विश्राम देंगे उसे, मानसिक चिंता और जो भी उसको प्रॉब्लम है, क्रोध वगैरह, वो हम उसका हटाएंगे, चाय कॉफी धूम्रपान हम उसको नहीं देंगे, प्रोटीन ज़्यादा देंगे और सादा और बिना मिर्च मसाले का एक निश्चित समय के अंतराल पर हम उसको भोजन देंगे। फिर पेप्टिक अल्सर में कौन कौन से पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, हम उसको ऊर्जा उसकी आयु लिंग और कार्य के अनुसार देंगे, प्रोटीन उसकी 50% बढ़ा देंगे, लेकिन उसमें भी 50% प्रोटीन हम दूध से देंगे, वसा उसका आवश्यकता अनुसार देंगे, लेकिन जो भी वसा देंगे उसमें 50% दूध से और 50% वेजिटेबल ऑयल से, वनस्पति तेलों से देंगे। कार्बोहाइड्रेट में कुल ऊर्जा का 40-50% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीसेकेराइड्स नहीं होंगे, ये सिंपल मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड्स जो होते हैं, मतलब सुक्रोज वगैरह और पॉलिश राइस और सॉफ्ट फ्रूट्स वेजिटेबल, इनके द्वारा हम इसको कार्बोहाइड्रेट देंगे। चूंकि विटामिन का अवशोषण कम हो जाता है इसलिए विटामिन सी बढ़ा देंगे, वो घाव भरने के लिए होता है, विटामिन बी भी कम हो जाता है इसलिए हम इन्हें एक मल्टी विटामिन टेबलेट दिया करेंगे रोज। और मिनरल्स में खनिज लवणों में आयरन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी होने से इनको एनीमिया यानी रक्त अल्पता हो जाती है, इसलिए पर्याप्त आयरन इनको देना चाहिए। और ये सब करते समय जब हम आहार नियोजन कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे हम पेप्टिक अल्सर के रोगी के खाने में रेशेदार भोज्य पदार्थ नहीं हो, मिर्च मसाला सुगंधित खाना नहीं हो, खट्टे फल ज़्यादा नहीं देने, छिलके वाली दालें नहीं देनी है, तली हुई चीज़ें नहीं देनी है, चाय कॉफ़ी मद्यपान नहीं देना है, चोकर वाली रोटी नहीं देनी है, गर्म पेय पदार्थ कच्ची सलाद नहीं देनी है, बस उसे जो खाना देना है वो सादा और पौष्टिक भोजन जो एक निश्चित समय के अंतराल पर और जो आमाशय में अम्ल कम बनाए, इस तरह का खाना हम टाइम टू टाइम उसको छोटी-छोटी फीडिंग देंगे, जिससे कि जो अंदर अम्ल बन रहा है उसकी कमी हो और वो अम्ल कम बने, आमाशयी रस कम बने, जिससे कि जो आमाशय और पक्वाशय के अंदर की झिल्लियाँ जो गल रही हैं, नष्ट हो रही हैं, घाव हो रहे हैं, छेद हो रहे हैं, वो कम हो जाए। तो इस तरह से ये पेप्टिक अल्सर के प्रकार, पेप्टिक अल्सर के कारण, पेप्टिक अल्सर के लक्षण, पेप्टिक अल्सर का उपचार, पेप्टिक अल्सर में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता और पेप्टिक अल्सर में आहार नियोजना, ये सब पेप्टिक अल्सर के बारे में।